नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के टॉप के बॉलर मुकेश कुमार ने शादी कर लिया है और मुकेश कुमार की जो शादी है उसकी भी लव स्टोरी काफ़ी कमाल की है, तो आज की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पेशर मुकेश कुमार शादी के अगले ही दिन नेशनल ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने आखिरी T20 में 3 विकेट भी झटके और भारत की जीत के हीरो रहे। उनकी ऑकर गेंदों की हर तरफ तारीफ करते नहीं थक रहा है और माना जा रहा है कि उनका T20 विश्व कप में खेलना पक्का है। इस बीच उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह वाले अंदाज में शादी करते हुए हर किसी को हैरान किया है। हालांकि अब पता चला है कि उनकी और दिव्या की लव स्टोरी एक दिन की नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरी फिल्मी कहानी है। 28 नवंबर को गोरखपुर में एक निजी समारोह में 7 फेरे लेने वाले मुकेश कुमार छपरा की दिव्या सिंह पर उस वक्त मोहित हो गए थे जब एक कार्यक्रम में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। दरअसल मुकेश कुमार और दिव्या सिंह 4 सालों तक डेट किया और फिर अपने प्यार को शादी के रूप में आखिर मुकाम तक पहुंचाया। मुकेश के चचेरे भैया की साली है दिव्या। क्रिकेटर मुकेश के करीबी मित्र की माने तो करीब 4.5 साल पहले मुकेश कुमार अपने चचेरे भाई के ससुराल छपरा में किसी पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हुए थे। वहीं उन्हें चचेरे भाई की साली दिव्या सिंह से पहली मुलाकात हुई थी। बताते चले कि पहली नज़र में ही दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव हो गया था। पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। मुकेश और दिव्या लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते थे और कई बार दिव्या मुकेश का मैच देखने भी पहुंचती थी। हालांकि दुनिया इस बात से अनजान थी, मुकेश और दिव्या सिंह ने अपने वादे को पूरा किया और बीते 28 नवंबर को शादी के बंधन में एक साथ बंधकर एक दूसरे के हो गए। काफ़ी संघर्षपूर्ण कहानी। उल्लेखनीय है कि मुकेश कुमार ने गोपालगंज के गांव से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का मुकाम हासिल करने के बहुत लंबा संघर्ष किया है। मुकेश अपने पैतृक काकड़कुंड गांव में रहकर गांव की गलियों में क्रिकेट खेलते थे, फिर पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ गए। मुकेश कुमार जब से भारतीय टीम में चयन हुआ है उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज मुकेश कुमार भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे पेस बॉलरों में से एक माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश कुमार को साउथ अफ्रीका दौरे की तीनों फॉर्मेट की टीम में चुना गया है। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उनका प्लेइंग 11 में भी खेलना लगभग पक्का माना जा रहा है। बाकी ये जोड़ी कैसी लग रही है और इनकी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।